गलत आसन को मानते हैं तो। आदरणीय स्टीफन मरांडी साहब जी ने जो विषय लाया है अध्यक्ष महोदय जी, 6 साल 7 साल पहले 4 करोड़ रुपया विधायक कोटा होता था और उसके बाद से कितने सारे एस्टीमेट आप देखते होंगे अध्यक्ष महोदय, जो पीसीसी हम लोग बनवाते थे 1 लाख में, आज 17,000 जी, और आज जो है वो 1 लाख रुपया तक एस्टीमेट उसका पहुंच गया अध्यक्ष महोदय। महंगाई भी बढ़ी है, कई तरह के जीएसटी से लेकर के मिट्टी तक रॉयल्टी लगना शुरू हो गया अध्यक्ष महोदय। ऐसी परिस्थिति में जो माननीय स्टीफन मरांडी साहब जो सबसे वरिष्ठ विधायक है, या तो विधायक कोटा को अगर सरकार चाहती है कि नहीं बढ़ाए तो सारे विधायक फजीहत होते होंगे, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तो या तो बंद कर दे तो हम लोगों का इज्जत बच जाए, या तो उसको 8 करोड़ कर दे अध्यक्ष महोदय। इसके लिए पूरा विपक्ष इसका सरपंच जी, अध्यक्ष जी एक मिनट सुन लीजिए, बोलिए महोदय। मेरा एक निवेदन है, एक प्रस्ताव है कि पिछले 3-4 दिनों से हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि धार्मिक उन्माद की ओर ये राज बढ़ रहा है। मेरी ये पर्सनल राय है, आपने परिपाटियों को देखते हुए नमाज कक्ष कहिए या प्रार्थना सभा, प्रार्थना कक्ष या प्रेयर रूम का आवंटन किया है, और हमारे फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बाबूलाल जी थे उस हाउस में और नामधारित भी अध्यक्ष थे। उसी समय जो ब्लू प्रिंट बना था उसमें उस कक्ष को दिया गया था और वो चलता रहा परिपाटी, सरकारें बदलती रही, मुख्यमंत्री बदले, स्पीकर बदले, और उसी परिपाटी के आधार पर आपको जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ लोग हैं, उन लोगों ने आपको आवेदन दिया, रिक्वेस्ट किया कि एक निवास पढ़ने की उन लोगों ने आवेदन दिया और उस विचार करते हुए आपने उस ट्रेडिशन को आपने मेंटेन किया। लेकिन फिर ये बात का बतंगड़ हो रहा है, अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूंगा कि सुन लीजिए वो क्या चाह रहा है, सुन लीजिए, निवेदन तो सुनिए भैया, निवेदन सुन लीजिए। मेरा ये अनुरोध है सर, इस पर एक कमेटी आप बना दीजिए और उससे हफ्ते 10 दिन में रिपोर्ट लेके और 1 सप्ताह के अंदर पुनर्विचार इस पर कीजिए और जो कमेटी राय दे फिर उसी हिसाब से उसको रीनोटिफिकेशन आप कर दीजिए। ये मेरी पर्सनल राय। आप कुछ बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय? बाबूलाल जी खड़े हैं। हमारा नाम इन्होंने लिया अध्यक्ष महोदय, अभी मान्यवर सदस्य हमारा नाम चुके उन्होंने लिया, मैं इनको जानकारी देता हूँ, शायद आपको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि उस समय जिस वक्त हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते तो उस समय कोई इस प्रकार से कच्छ का कहीं कोई आवंटन नहीं हुआ है। मुझे लगता है अध्यक्ष जी पूरी तरह से इस बात से अवगत हो। ठीक, और एक बात और एक लाइन सुन लीजिए अध्यक्ष, क्योंकि भारत का संविधान उसकी इजाजत नहीं देती है, हम सेकुलर स्टेट है, कोई मजहबी स्टेट नहीं है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये जो लोकतंत्र की मंदिर है इसको लोकतंत्र का ही मंदिर रहने दीजिए। प्रदीप जी कुछ बोल रहे हैं। ठीक, एक प्रश्न है, मैं बिहार विधानसभा का भी सदस्य रह चुका हूं, वहां पे भी निमास की जगह है, बंगाल में है, करीब करीब सब जगह, और हमने वहां निमास पढ़ी भी है। ये देखिए, ये मस्जिद नहीं बन रही सर, मस्जिद का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा होता है, मस्जिद में पेशिमाम होना चाहिए, मौजिन होना चाहिए और 5 वक्त अजान होती है मस्जिद में और नमाज पढ़ने वाले होने चाहिए। ये एक साफ सुथरा कमरा, एक प्रेयर रूम, एक प्रार्थना सभा कहिए या नमाज अदा करने का एक साफ सुथरा आपने व्यवस्था किया है, यही मैं समझता हूँ। प्रदीप जी क्या बोल रहे थे? अध्यक्ष महोदय, अभी सरफराज जी के बातों को आपने सुना, हम सबों ने भी सुना है, और इन्होंने इतना ही आग्रह किया है कि इस पर बैठिए ना, बोलने दीजिए आपको भी, आपको कब बोलने नहीं दिया है, बोलने तो आप थोड़ा बैठिए सुनिए ना, बोलिए प्रदीप जी बोलिए। इन्होंने इतना ही आग्रह किया है सदन से, आपसे, आसन से, कि भाई इस पर आप पुनर्विचार करें, यही तो भारत की सहिष्णुता की पहचान है, यही तो भारत की धर्मनिरपेक्षता की सुगंध है, कि जिनके लिए आपने ये कमरा आवंटन किया वो कह रहा है कि पुनर्विचार करें,
और एक व्यक्ति जो कमरा दिया वो कह रहा कि हमने कमरा नहीं दिया। यही है भारत की पहचान। उल्टे कहते हैं आप। जब नामधारी जी अध्यक्ष थे महोदय, उन्होंने कहा कि हमने कमरा दिया, उसमें बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री हुआ करते थे इस प्रदेश के, और इन्होंने आग्रह किया। इनके आग्रह को आप ठुकरा नहीं सकते। ये तो स्वयं कह रहे हैं कि आप उस पर पूरा विचार कीजिए। तो विवादित जगह वह नमाज नहीं पढ़ा जाता। ये तो आपको प्रेयर के लिए आग्रह कर रहे हैं कि समिति बनाइए, और समिति कह देगी कि भाई नहीं चाहिए तो ये नहीं लेने को तैयार है। इसलिए इनके आग्रह में दम है अध्यक्ष महोदय। इनके आग्रह को मानते हुए मेरा आसन से आग्रह होगा कि आप समिति बनाए और समिति विचार करे कि भाई अगर कमरे की जरूरत नहीं है, इनके प्रति कोई तवज्जो नहीं देना है, वो समिति विचार करेगी। यही मेरा आसन से आग्रह होगा। भानु जी आप लोग तीनों बोलिएगा, नहीं एक आदमी। भानु जी बोल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। अभी सरफराज साहब ने जो विषय लाया है अध्यक्ष महोदय जी, ये डे वन से भी ये ला सकते थे। आज जो सरफराज साहब बोल रहे हैं, ये जुबान उनका है, आवाज उनका है, लेकिन ये दबाव भारतीय जनता पार्टी का है जो उनको बोलने पर मजबूर किया। ठीक है ठीक, इसलिए आज वो बोल रहे हैं। ठीक है तो हो गया आप ही का बात बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है? आप ही का दबाव से बोल रहा है, ठीक बात है। दबाव में ठीक, ठीक है। पहले दिन उनको बोलना चाहिए, ठीक, ठीक। पहले दिन बोलते बंधु जी कुछ बोल रहे थे। बंधु जी शून्यकाल की सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गई है। बंधु जी बोलिए। अध्यक्ष महोदय, विगत लगभग 3 दिन से आप अपने पीछे झांकिए, आप सीपी बाबू पीछे झांकिए, देखिए कोई आदमी खड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं भी सरफराज भाई का प्रस्ताव को मैं भी उसको समर्थन करता हूं। आसन से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। ठीक है, अगर सदन का मोटा मोटी इस पर सहमति है, सदन के सारे लोग अगर ये सब चाहते हैं, तो मैं सदन के साथ मैं आसन भी सहमत हूं, और मैं दूसरे पाली में समिति का घोषणा कर दूंगा और समिति का एक समय सीमा भी निर्धारित कर दूंगा, ताकि इस विषय को ज्यादा दिन तक न चले, इसका पटाक्षेप हो, और समिति का जो भी निर्णय आएगा, पक्ष का विपक्ष का, मान्य सदस्यों का, सारे दल के लोगों का जो भी निर्णय आएगा, आसन उस पर सहमत है। सभापति प्रकलन समिति, थोड़ा सा हमको थोड़ा काम करने दीजिए, थोड़ा सा सभापति प्रकलन समिति, सभापति प्रकलन समिति एक झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कर संचालन के नियम 216(1) के तहत मैं प्रकरण समिति वित्तीय वर्ष 2020-21 की प्रथम प्रतिवेदन की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं। क्या सूचना आपका? ठीक से बोल। महोदय बोलिए। विधायक मत तो आ गया, मैं उसको नहीं, आपका प्रस्ताव आया, भानु जी भी उस पर बोले, भानु जी बोलने के बाद हम दिखवा लेते हैं, दिखवाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री को मुख्यमंत्री से बात करते हैं, उसके बाद जो भी हो, जो भी राज्य सरकार कर सकती है, उस पर हम बाद में आप लोगों को सुना देंगे। नहीं, क्यों नहीं, आप हमको सदस्यगण, सभा की कार्यवाही 2 बजे अपराह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।